अपना परिचय दीजिए छोटा सा। मेरा नाम राजेश ठाकुर, मेरा नाम राजेश ठाकुर है और मैं मोतीनगर विधानसभा पूर्वांचल मोर्चा का प्रभारी। तो आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? अभी हमारा जो मेन फोकस है वह सदस्यता अभियान पे जी, अभी लोगों को जोड़ना पार्टी से और सदस्य बनाना मेन वो है, और यहाँ की कुछ समस्याएं हैं वो उठाते रहते हैं समय समय पे। पीछे हमने यहाँ पे एक बारात घर है, उस बारात घर को जबरन आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा मोहल्ला क्लिनिक को दे दिया गया। हाँ जी, जबरन उसके लिए हम लोगों ने बहुत विरोध किया था। तो क्या रिजल्ट आया उसका अभी तक का? कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं आया उनका, तो गुंडागर्दी चल रहा है पूरा जी, उनका पूरा गुंडागर्दी चल रहा है। एक छोटा सा इलाका, ये क्लस्टर में गिनती होता है बिहारी कॉलोनी जी, ये बिहारी कॉलोनी जो है क्लस्टर में आता है। यहाँ कोई जगह नहीं है किसी का जन्मदिन मनाना हो, शादी का सरगना या किसी के घर में पूजा हो, कोई जगह नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं अभी भी पूरा जाम लगा हुआ। तो वो बारात घर जो है, आपको याद होगा 49 दिन की सरकार बनी थी उस समय, इस विधानसभा से सरदार आरपी सिंह जी जीते थे तो उन्होंने ही उस बारात घर का निर्माण कराया था। उसको बाद में कुछ कारण था या ऐसे ही हवा कह लीजिए, जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हार गई, उसके बाद से ही ये बारात घर लोगों को मिलना बंद हो गया। कोई सुविधा नहीं मिल पाई अब तक? नहीं नहीं, ये बारात घर का बिल्कुल ही उन्होंने कब्जा करके बहुत दिन तक तो बंद रखे, इस बार उसमें मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिया। हमने विरोध किया था, हमने बोला भाई हमारा विरोध मोहल्ला क्लिनिक का नहीं है। अच्छा। हमारा विरोध ये है कि भैया हमारा बारात घर जो यहाँ के लोगों के लिए बनाया गया है वो क्यों दूसरों को दे दिया गया, दूसरे संस्थाओं को आपने दे दिया। उन्होंने बोला फिर हम कहाँ खोले बारात घर, तो और भी कहीं। बोला भाई बारात घर बना दो आप। मैंने बोला कि अगर ये भी नहीं हो सकता, आपको जगह नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो आप इसको 4 मंजिल बना लीजिए भाई, मल्टी लेवल। हाँ, नीचे आप मोहल्ला क्लिनिक बना लो और 2-3 मंजिल जो भी आप बना के दोगे वो बारात घर के लिए देख लीजिए, उसमें भी हमारी प्रोग्राम हो सकता है। यहाँ गरीब लोगों का क्लस्टर में, यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि दुर्गेश पाठक जो अपने आप को पूर्वांचली कहते हैं वो पूर्वांचलियों का दुख दर्द नहीं समझते। यहाँ 99% पूर्वांचली लोग रहते हैं, उसके बाद भी यहाँ कोई वो सुविधाएं नहीं है। राजेंद्र नगर ने इस बार, राजेंद्र नगर विधानसभा ने इस बार मूड बना रखा है भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए, और उसका कारण भी है। यहीं आप आ रहे होंगे तो नीचे कितनी रोड खराब है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल जाते जाते तक उसका दम तोड़ देगा, इतनी पौष इलाका राजेंद्र नगर है। वहाँ इस बार बारिश में इतनी हॉल बन जाते थे पटरी। हाँ, रॉ इंस्टीट्यूट में आपके सामने है कि उनका सीवर लाइन फट गया, उसकी वजह से बेसमेंट भर गया, वो तुरंत कई एक बच्चे उसमें जान गंवा दिए। वहाँ पे भी इन्होंने सीबीआई जांच चल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जो था पाइप जो लगा हुआ था जो फटा था, 30 इंची का था पाइप, 30 फुट का पाइप जो था वो मोटा पाइप था। अब उन्होंने लगाया सबके आंखों में मिर्च झोंक कर 10 इंची का पाइप लगा रहे हैं वहाँ पे, और छोटा कर दिया। उनके नज़रों में वहाँ से आप 90% लोग चले गए, जो दुनिया जानती है कि वहाँ पैर रखने तक का जगह नहीं है। इतनी इंस्टीट्यूट है, इतनी कोचिंग सेंटर है, लाइब्रेरियाँ हैं, फिर लोकल घर है, बाजार है, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है। 30 इंची का जो पाइप फट सकता है ओवरफ्लो होके, वो 10 इंची कैसे चलेगा? ठीक है जी, वो सीबीआई जांच चल रही है, उनके सामने ये चीज़ें, ये घोटाले कर रहे हैं ये दुर्गेश पाठक जी। उनके घर के 100 मीटर के आप जाइए न्यू राजेंद्र नगर में, गलियों में टूटे फूटे पड़े हुए हैं।
इलाके में डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया हो रहा है, उसके लिए फॉगिंग नहीं हो रहा है, कुछ कुछ नहीं फॉगिंग हो रहा है। आपके क्षेत्र में कैसे साफ सफाई? तो जो जगह की कमी है तो उसमें झाड़ू लग नहीं पाता है ठीक से, जहाँ जगह मिल जाता है वो कभी कभी आ जाते हैं। कागजों में ईस्ट बिहारी कॉलोनी में 5 स्टाफ है साफ सफाई के लिए, 1 स्टाफ भी रोज नहीं आता है। उमंग बाजार जी काम नहीं कर रहा क्षेत्र में सर? नहीं नहीं, ये उनका क्षेत्र नहीं है, वो ये राजेंद्र नगर विधानसभा राजेंद्र नगर वार्ड में है। यहाँ आरती चावला जी है, आज ही देख लीजिए यहाँ भंडारा हुआ था कल, किसी ने एनजीओ ने भंडारा कराया था, और यहाँ देख लीजिए कूड़ा नहीं उठा है। आज झाड़ू मारने वाला आया ही नहीं है, आज आया ही नहीं है, कल भंडारा हुआ है, इसका तो सबूत है कि भाई ये है, कल आज झाड़ू मारने वाले भी नहीं आए हैं। तो ये क्षेत्र तो उनके आम आदमी पार्टी का यहाँ से पार्षद है। साफ सफाई की भी बुरी हालत है, रोड टूटे हुए हैं, पानी बदबूदार आता है। इस क्लस्टर में गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पे भी लोग कम से कम 70-75% लोग बंद बोतल पानी खरीदने के लिए मजबूर हैं, इतनी बदबूदार पानी आती है। सर आपका किस तरह का जुड़ाव है समाज के बीच में? आप एक राजनीति पार्टी को जुड़े हुए थे, राजनीति पार्टी से जुड़ने के बाद भी क्या प्रयास रहता है आपका? प्रयास रहता है कि दूर हो। हमने जब उसका उद्घाटन करने आए दुर्गेश पाठक जी, तो उनका बहुत तगड़े तरीके से उनका विरोध किया हमने, उन्होंने हमारा कंप्लेन करके पुलिस भी उठा के ले गई, चलो कोई बात नहीं, हमने भी वही किया कि भाई आपकी गलती है, आप कब्जा कैसे कर सकते हो, तो वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज हो गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही सब है, हर चीज़ मांग करने के लिए आगे बढ़ते रहते। अब यहीं इसी दीवार के साथ में शौचालय है, इसमें पहले अभी 6 महीने से दूसरा केयर टेकर आ गया, 1 केयर टेकर था पूर्वांचली ही था ठीक है जी, उसको कम से कम 5 साल से तनख्वाह नहीं मिला था, वो मुकदमा कर रखा डिशू के ऊपर, कंपनी के ऊपर मुकदमा कर रखा, अभी 1 मुकदमा उसने जीता है, 3 मुकदमा और लड़ रहा है वो, उसको जबरन हटा दिया गया है। डिशू के लोग आए, गुंडे आए, और वो ज़बरदस्ती सामान निकाल के अपना ताला मार के और वो कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन उससे कोई वो नहीं है, निकाल दिया चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुकदमा उससे पहले हो रखा है, मतलब 2 या 3 साल से मुकदमा वो लड़ रहा है, 1 मुकदमा वो अभी जीता है, 2 मुकदमा अभी वो लड़ रहा है। तो ये तो केजरीवाल के हैं कि तनख्वाह नहीं देते अपने स्टाफों को, फिर कहते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, ईमानदार है। क्या लगता है दिल्ली के मतलब मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे से कुछ ग्राफ बढ़ रहा हमारी पार्टी का, क्या लगता है? देखिए वो अपनी मर्जी से तो इस्तीफा दिया नहीं है, उनको तो ऐसे जंजीर कोर्ट ने बांध दिया था, वो मजबूरी में दिए हैं, अधिकार खत्म कर दिया था कि भाई आप मुख्यमंत्री तो रहोगे लेकिन आप सीएम कार्यालय नहीं जा सकते, आप बाहर किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, किसी गवाह से बात नहीं कर सकते, गवाह भी छोड़ दीजिए सीएम कार्यालय, उनके पास अगर एक अधिकार भी होता ना कि आप फाइल पे साइन करो, तो पर भी वो इस्तीफा नहीं देते। तो नए मुख्यमंत्री बनने से क्या लगता है आम आदमी पार्टी का? कुछ नहीं है, वो ग्राफ गिर रहा है, यहाँ पे उन्होंने जो शराब घोटाले किए हैं, साफ सफाई नहीं है, रोड टूटा पड़ा हुआ है, इतने मतलब लोग मर गए, मतलब पानी बारिश हुई उसमें करंट लगने से मर गया, अभी आपको बताऊं 1 महीना पहले नाईवाला में करोलबाग विधानसभा में पड़ता है, 1 रिक्शा चालक हाई मार्क्स का पोल, ये जैसे मोटा पोल हाई मार्क्स का पोल है उसको छुआ, उसको में करंट लग गया, वो ख़त्म हो गया। पटेल नगर में पढ़ने वाला एक बच्चा वो मर गया, कई एक जगह ऐसे केस है दिल्ली में जो करंट लगने से, भैया आप उनसे कमीशन लोगे तब वो क्यों मेंटेनेंस करेगा? लापरवाही देखी जाएगी, लापरवाही है, और लापरवाही आप उसको कुछ कह नहीं सकते कि आप उससे महीने का कमीशन लेते हैं, तो यही सब है प्रॉब्लम है। और हमारा एक ऐसा भी लोकल सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्कूल के सामने एक हमारा गेट हुआ करता था, उसको बंद कर दिया गया, तो इससे भी लोगों की नाराज़गी है DDA की लेन, लेकिन विधायक जी क्या साजिश के तहत ये दीवार बंद कर दिया गया। हाँ जी, इसका भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि ये खुले, कि हमारा छठ पूजा सर पे है, दुर्गा पूजा छठ पे सर पे है, सामने दुर्गा जी का स्थान है बना हुआ,
चबूतरा बना हुआ है। देखिए यहाँ कोई प्रोग्राम होता था तो उसमें आराम से हम लोगों का परमिशन मिल जाता था, हो जाता था, तो साजिश की तहर, एक पॉलिटिकल साजिश की तहर, तो विधायक जी ने उसको बंद करा दिया। अब बंद क्या करा दिया कि भैया आप डीडीए का जगह है तो यहाँ से दीवार उनका पहले भी था, लेकिन वो चाह रहे थे कि वो रातों रात दीवार एक हाथ और उधर ले जाके बंद करने का। भाई आप किसी के ज़मीन को छेड़ोगे तो वो तो फिर बंद कर देंगे, वो जो जगह दे रखा था वो भी बंद है। मैं बीजेपी से भी मांग करता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पहले सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और सामाजिक कार्यकर्ता के अलावा मैं यहाँ खुद भी रहता हूँ, मैं पूर्वांचली से हूँ, दुर्गा पूजा भी मनता है, छठ पूजा भी मनता है, तो ये गेट खुलवाया जाए। गेट खुलवाने के बाद यहाँ पे दुर्गा पूजा का परमिशन दिलाया जाए, छठ पूजा का परमिशन दिलाया जाए, उसके बाद यहाँ अच्छा हिसाब किताब रहेगा भारतीय जनता पार्टी का।